शुक्रवार की देर शाम निमस सिटी स्थित चावला कॉलोनी में सुअर चोरी कर पकड़ने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां बाद में इस विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और मौके पर तनु की मौत हो गई व साहिल हरिजन के दोनों पैरों में गंभीर चोट आई। नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल का कहना है कि साहिल से पूछताछ की गई, जिसमें मनोज हरिजन, ईश्वर हरिजन, हरीश हरिजन पर मामला दर्ज किया गया। वहीं बीती रात हरीश हरिजन को गिरफ्तार कर लिया गया और नीमच सिटी पुलिस द्वारा चीताखेड़ा मंदसौर जीरन छोटी सादड़ी आरोपी को पकड़ने के लिए तपिश दी। वह पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द मनोज ईश्वर को भी पकड़ लिया जाएगा, जिसको लेकर क्या कहा नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला ने, आइए सुनते हैं। शाम करीब 7 बजे करीब नीमच सिटी थाने पे सूचना मिली थी कि चावला कॉलोनी में झगड़ा हो रहा है और उस पर TI स्वयं और बल वहाँ पहुँचा था। तो वहाँ पे जाने पर देखा कि तन्नु नाम का युवक जो है और साहिल पिता संतोष, ये वहाँ पर जख्मी हालत में पड़े थे। पुलिस द्वारा तत्काल इनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने पर तन्नु को डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और साहिल के भी पैरों में गंभीर चोटें थी, जिस पर से वहाँ पर देहाती नालसी में 307 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उसकी मृत्यु के उपरांत उसमें 302 धारा बढ़ा दी गई। साहिल पिता संतोष हरिजन ने जो प्रथम सूचना दर्ज कराई है उसके अनुसार वो दोनों चावला कॉलोनी में गए थे और वहाँ जाने के बाद ये दोनों मनोज और ईश्वर जो राजीव नगर के रहने वाले हैं, ये लोग आए वहाँ और कहा कि तुम हमारे चोरी से सुअर पकड़ते हो, और इस बात पे उनको मारपीट की, कुल्हाड़ी से और पत्थरों से मारपीट की, जिससे तनु की मृत्यु हो गई। उस पर से जो है बाद में उन्होंने बताया कि इनका एक भाई हरीश भी वहाँ पर आ गया था। रात में दबिश देकर हरीश को पकड़ लिया गया है, पूछताछ उससे की जा रही है। बाकी जो शेष आरोपी मनोज और ईश्वर हैं उनके लिए पुलिस पार्टियां 3 पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बनाई गई हैं, जो कि लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।